जय हिंद दोस्तों। 15 वर्ष पुराने वाहन मालिकों के लिए दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर आज के इस वीडियो में निकल कर आई है, खास तौर पर जो गवर्नमेंट वहाँ पर संस्थान है उन लोगों के लिए तो बहुत ही बड़ी यहाँ पर खबर है। क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि केंद्र सरकार ने एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें दोनों साफ साफ लिख दिया है, बताया है और आपसे सुझाव भी मांगे जा रहे हैं, जिसकी समय सीमा फिलहाल के लिए समाप्त हो चुकी है क्योंकि इसकी समय सीमा 1 अप्रैल तक ही थी और ये वीडियो आप 1 अप्रैल के बाद में देख रहे हैं। तो 1 अप्रैल से केंद्र सरकार ने सभी 15 वर्ष पुराने गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन की नवीनीकरण यानी रिन्यूअल ऑफ आरसी को रोक दिया है। जी हाँ, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मैं देने वाला हूँ। इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक आप लोगों को देखना है और इसमें बहुत सारी चीज़ें आपके सीखने योग्य हैं, तो उसको आप बने रहिए वीडियो पे, स्किप ना करें। लाइक करिएगा इस वीडियो को, फिलहाल इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन ऑन कर लें ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ फ्यूचर में भी आप लोग के पास मिलती रहें समय पर। तो आइए बढ़ते हैं अपने टॉपिक पर। केंद्र सरकार के जो ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी हुआ है वहाँ पर दोस्तों देखने को मिला है कि केंद्र सरकार ने सभी पुराने जो वाहन हैं, जैसे 20 साल पुराने हैं, वैसे तो जो वहाँ पर एक आप बोल सकते हो कि एक वहाँ पर पॉइंट रखा गया है, एक स्पेसिफाइड किया गया है कि 15 वर्ष पुराने यानी 15 साल से ज़्यादा जितने एज हो चुकी है वाहनों की, उनकी आरसी नवीनीकरण अब नहीं होगी। चूँकि यह दोस्तों 2020 लास्ट में और 2021 में वहाँ पर खुद बजट में भी यह बताया गया था, जो हमारा आम बजट प्रस्तुत किया गया था निर्मला सीतारमण जी के द्वारा, तो वहाँ पर बताया गया था कि हम स्क्रैपेज पॉलिसी को शुरू करेंगे व्हीकल, उसी के तहत यह दोस्तों वहाँ पर नोटिफिकेशन पहले भी जारी हुआ था, तो इसको अब अमली जामा पहनाया जा रहा है, जिसके माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अब 1 अप्रैल 2022 से ये नियम लागू हो चुका है ऑल ओवर इंडिया में। सभी सरकारी संस्थान अपनी जो गाड़ियां होंगी उनकी अब नवीनीकरण नहीं करा पाएंगे जो कि 15 साल से ज़्यादा की हैं। तो सरकारी संस्थान के साथ साथ या किन किन लोगों पर लागू होगा, आप बिल्कुल अभी ध्यान से सुनिए, मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। तो सरकारी जो संस्थान है यानी कि गवर्नमेंट की जो व्हीकल्स हैं उनका स्क्रैपेज पॉलिसी सबसे पहले किया जाएगा, क्योंकि सरकार खुद से ही शुरू करना चाहती है पहले, बाद में ये दोस्तों आम पब्लिक के लिए लागू होगा। तो अभी आपके लिए लागू नहीं किया गया है, आप लोगों के लिए 1 अप्रैल 2023 से यह स्क्रैपेज पॉलिसी मैंडेटरी तरीके से लागू कर दी जाएगी। फिलहाल ये इंडिया में अभी आप लोगों के लिए 1 साल और मान लीजिए कि वॉलंटरी रहेगा स्वैच्छिक रूप से, लेकिन इसके बाद में ये मैंडेटरी कर दिया जाएगा। तो इसकी शुरुआत हो चुकी है। यह नियम दोस्तों किन किन के लागू होगा मैं बताना चाहता हूँ कि केंद्र सरकार के सभी व्हीकल के ऊपर, राज्य सरकार के सभी पुराने जो 15 साल पुराने वाहन हैं उनके ऊपर, संघ शासित प्रदेश, सार्वजनिक उपक्रमों, नगर निकायों, स्वायत्त निकायों के ऊपर यह नियम लागू होने वाला है। यानी कि जितने भी नगर निगम की गाड़ियाँ हैं 15 साल पुरानी, स्वायत्त निगम की गाड़ियाँ 15 साल पुरानी, राज्य सरकार की हो, गवर्नमेंट एम्प्लाई, चाहे वो सेंट्रल के गवर्नमेंट एम्प्लाई की व्हीकल, इन सभी की जो गाड़ियाँ रहेंगी 15 साल पुरानी हैं उनका अब नवीनीकरण नहीं किया जाएगा। ये आप ध्यान से सुनिएगा। हाल ही में दोस्तों यहाँ पर 15 साल पुराने वाहनों की आरसी के रिन्यूअल के संबंध में जो पब्लिक की व्हीकल हैं उनके लिए 8 गुना फीस बढ़ा दी गई है। आपको नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ कि फीस कितनी बढ़ाई गई है, इसीलिए कहता हूँ वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर रख लें ताकि आप लोगों के हित में आप लोगों के लिए जो खबरें हैं वो आपका पहुँचें। बहुत सारे लोग वीडियो को देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो ऐसे नहीं होगा। आपसे अगर कोई भी जानकारी छूट जाती है तो वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा डेंजर जोन में आपको पहुंचा सकती है, तो इसलिए चैनल सब्सक्राइब करके रखें। तो यहाँ पर आम पब्लिक के लिए यह नियम दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, यह 1 अप्रैल 2023 से लागू होगा और सरकार ने इसको अब फिलहाल इंडिया में लागू कर दिया है। स्क्रैपेज पॉलिसी भी शुरू हो चुकी है। तो इसके लिए जो ड्राफ्ट नोटिफिकेशन है मैं आपको ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर शेयर कर दूंगा। आपको हमें कोई डाउट, कोई क्वेश्चन हो 15 वर्ष पुरानी व्हीकल के लिए तो आप हमसे ट्विटर पर @TechKalaoji में क्वेश्चन को लिखिए, हमें टैग करिए और इंस्टाग्राम पर हमको फॉलो करके कोई भी मैसेज करिए, आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर वहाँ पर मिल जाएगा। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ नए वीडियो में इंटरेस्टिंग टॉपिक होकर, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।